हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, BTUP की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड आ रही है, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 15 मार्च 2022 को ये भेजी गई, यानी कि कल की डेट में। तो दोस्तों, इस नोटिस में क्या है आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप सभी लोग भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट को पाते रहने के लिए। तो भाई बिना बकवास के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग प्रेषक देख सकते हैं, BTUP सचिव के द्वारा भेजा गया है, और भेजा किसको गया है, समस्त केंद्र अधीक्षक, ठीक है। विषम सेमेस्टर परीक्षा या विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2022 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केंद्र, ठीक है, एग्जाम सेंटर के केंद्र अधीक्षक को भेजा गया है ये नोटिस, ठीक है। यहां पर दोस्तों पत्रांक संख्या जो भी आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, हम सीधे जो काम की बातें वो बताते हैं, ठीक है। यहां पर विषय आप लोग देख सकते हैं, विषम सेमेस्टर परीक्षा या विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2022 हेतु प्रश्न पत्रों के ऑनलाइन संप्रेषण के संबंध में मॉक टेस्ट कराए जाने के संबंध में, ठीक है। भाइयों, आप लोगों को शायद पता होगा कि आप लोगों की जो एग्जाम होगी उसकी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के कॉलेज में ऑनलाइन भेजी जाएगी। पहले भाई ऑनलाइन नहीं भेजी जाती थी, लेकिन ये अभी शायद दो तीन सेमेस्टर पहले ऐसा प्रक्रिया चालू हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन भेजी जाने लगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं इसको विस्तार से। कृपया परिषद के पत्रांक संख्या यहाँ पर है जो कि 12/3/2022 को भेजा गया था, उसकी जो है छाया प्रति इसमें बताया जा रहा है कि संलग्न है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वो नोटिस नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस नोटिस में क्या दिया गया है आप लोग देखिए, सूचना है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा मार्च 2022 दिनांक 22/3/2022 से प्रारंभ होना निर्धारित है, ठीक है। ये तो भाई आप लोगों को भी पता है आप लोगों की एग्जाम कब से है। इसके बाद आप अवगत ही हैं कि विगत वर्ष की तरह इस बार भी प्रश्न पत्रों का संप्रेषण जो है ऑनलाइन किया जाएगा, जिस हेतु अंतिम मॉक टेस्ट दिनांक 16/3/2022 का अपराह्न 12 बजे कराया जाना है, ठीक है। दोस्तों आज की डेट में 12 बजे आप लोगों के एग्जाम सेंटर पर जो है मॉक टेस्ट होगा। अब ये मॉक टेस्ट आप लोगों का नहीं, मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं अपनी भाषा में, कि जो आप लोगों की क्वेश्चन पेपर है जब एग्जाम की टाइम आएगी जिस तरीके से भेजा जाएगा सेम उसी तरीके से जो है भेज करके टेस्ट किया जाएगा कि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती है, ठीक है, जिससे एग्जाम टाइम में या एग्जाम जिस दिन हो उस दिन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में या भेजने में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसलिए जो है इसकी मॉक टेस्ट कराई जा रही है। उसके बाद में दोस्तों इसमें क्या दिया गया है देख लेते हैं, उक्त के दृष्टिगत आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सहसमय अपने केंद्र पर मॉक टेस्ट पूर्ण कराना जो है सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो पाए, यानी कि एग्जाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। साथ ही निजी क्षेत्र की संस्थाओं यानी कि प्राइवेट कॉलेज की जो संस्थाएं हैं के परिषद द्वारा नियुक्ति अस्थायी पर्यवेक्षक भी मॉक टेस्ट के समय उपस्थित रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है। फिलहाल मेरे पास नहीं है क्योंकि और वो आप लोगों के काम के लायक भी नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों के एग्जाम सेंटर वालों के लिए जो है यूजफुल है तो वो लोग वो जाने, ठीक है। बाकी दोस्तों यहां पर आप लोग सिग्नेचर देख सकते हो, सुनील कुमार सोनकर 15/3/2022 की सिग्नेचर हुई है, ठीक है। अब दोस्तों यही थी आप लोगों की इस लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस में, जो कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम सेंटर पर जो है क्वेश्चन पेपर को भेजे जाने को लेकर के मॉक टेस्ट से रिलेटेड थी, ठीक है। आशा है आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी और वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको जो है कुछ भी जानकारी इस वीडियो से मिली हो, ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्त, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी लोग यार सब्सक्राइब कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट को पहले पाने के लिए।